दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में आदित्य को दिखाएगा आर्यन असली आईना। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलता है कि आर्यन और इमली के रिश्ते को आदित्य बुरी तरह से बदनाम कर देता है, जिसके बाद इमली बुरी तरह से टूट तो जाती है, लेकिन फिर आर्यन की बातें उसे याद आती है कि उसे रात में ही उसने कहा था कि आज जितना तुम्हें टूटना है रोना है रो लो, लेकिन कल से मुझे फिर से वही फोकस चाहिए। क्या तुम यहाँ पर रोने के लिए आई हो? और इमली भी कह देती कि हम हमारी अम्मा की बेटी हैं और हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, और वो आज सिर्फ आज के लिए ही टूटना चाहती है, लेकिन अब वो अपनी हिम्मत करके आगे बढ़ेगी। तो वही देखने को मिलेगा कि मालिनी ने ही ये सब कुछ किया है। ये आर्यन के सामने तो सच आ ही चुका है कि मालिनी ही नहीं चाहती थी कि आदित्य और इमली साथ रहें, जिसके बाद ने वो आदित्य के सामने सच्चाई का आईना दिखाएगा और कहेगा कि तुम ये देख लो, और सीसीटीवी फुटेज आर्यन के घर में ही होते हैं। जिसके बाद ने यहाँ पर इमली के सामने सच आ जाता है कि ये सब कुछ मालिनी ने ही गेम खेला है और आर्यन ही ये सच्चाई आदित्य के सामने ला के रहेगा और कहेगा कि ये देखो तुम्हारी ये जो मालिनी है जो इसलिए मेरे पास भी आई थी, तुम दोनों से वो कितना नफरत करती है, इसका सच का आईना शायद मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम इमली की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी मालिनी के बारे में भी बता देता हूँ। तुम्हारी एक्स वाइफ मेरे घर क्यों आई थी उसे पूछो। और सभी घर वालों के सामने आर्यन ये सच्चाई बताते नजर आने वाला है, क्योंकि वो इमली को इस तरह से देख लेता है और वो इमली को बताएगा भी कि मालिनी उससे मिलने आई थी। जिसके बाद से काफ़ी कुछ ड्रामा यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इसमें आर्यन को घसीटा गया है, इसलिए आर्यन चुप तो नहीं बैठेगा और मालिनी का सच सबके सामने ला के रहेगा। तो वो एक कसम भी खा लेता है कि अब वो आदित्य के सामने अपने जीजाजी का राज भी खोलेगा, और आदित्य को तगड़ा झटका लगने वाला है कि आर्यन आखिर क्यों अब आदित्य से बदला ले रहा है। तो काफ़ी कुछ ड्रामा शो में शुरू होने वाला है। देखते हैं कि आर्यन के खुलासे के बाद आदित्य मालिनी का क्या हाल करता है।